गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपके पास पहले से ही इन्वर्टर और बैटरी मौजूद है और आप सोलर सिस्टम लगाने की सोच रहे हैं तो आप बहुत सही इसी बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। तो आपको क्या करना है कि आपके पास बैटरी और इन्वर्टर तो पहले से ही है, तो आपको क्या करना है, अपने इन्वर्टर को स्मार्ट इन्वर्टर बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर देखो आप पूरा नया सोलर इन्वर्टर लोगे तो आपका पूरा सिस्टम जो भी आपका बैटरी और पुराना इन्वर्टर है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्या करना है कि जो UTL कंपनी है, जो SMU आते हैं सोलर मैनेजमेंट यूनिट, ये आपको UTL कंपनी का भी मिल जाएगा, स्मार्टन कंपनी का मिल जाएगा और भी बहुत सारी कंपनी जो SMU बनाती है। तो SMU क्या करता है कि जो भी आपका पुराना इन्वर्टर होगा उसको स्मार्टली काम करवाता है। जैसे लाइट जब भी सोलर अवेलेबल होगा तो मेंस को डिसकनेक्ट कर देगा, जब भी फिर रात को नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। देखो हम बात करते हैं कि SMU काम कैसे करता है। अगर देखो सूरज की रोशनी पूरी होगी तो SMU क्या करेगा, पहले सोलर पैनल से बैटरी को चार्ज करेगा और जब बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाएगी तो क्या करेगा, ये सोलर से लोड को चलाएगा। ठीक है, अब शाम को क्या हुआ, हमारा बिजली वापस जो हमारा लोड है वो वापस बिजली पे चलने लगेगा। देखो इसके कनेक्शन कैसे करना है, मैं एक बार में बताता हूँ आपको। जो आपका इन्वर्टर है इसका देखो, जो आपका ये SMU है तो SMU को इनपुट देना है हमारी मेन सप्लाई से। यहाँ से मेंस हो गई, ठीक है, ये हो गई आपकी मेंस। अब आपको क्या करना है, जो इन्वर्टर का इनपुट है वो इसको इसमें से देना है, SMU में से। यहाँ पे पिन होती है लगाने के लिए, देखो ये दिख रही होगी आपको, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। और जो SMU की यहाँ पे सोलर पैनल और बैटरी दोनों कनेक्ट होने के यहाँ पे सिरे होते हैं, तो इसको सोलर पैनल से कनेक्ट कर दो आप। देखो यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे मैंने इसको सोलर पैनल से कनेक्ट कर दिया SMU को, और बैटरी से भी कनेक्ट करना है इनको, और जो इन्वर्टर है इसको भी बैटरी से कनेक्ट करना है। तो बैटरी से SMU भी कनेक्ट होगा और सोलर इन्वर्टर भी कनेक्ट होगा, जो हमारा नॉर्मल इन्वर्टर वो भी कनेक्ट होगा, और इन्वर्टर का इनपुट देंगे SMU में, तो यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे। तो सिंपल है कि ये इन्वर्टर का इनपुट इससे देंगे हम, मेन सप्लाई से ना देकर, और मेन सप्लाई का इनपुट किस में देंगे, SMU में। देखो आगे, हाँ इसमें PMW चार्ज कंट्रोल होता है जो UTL का SMU है, इसलिए जो सोलर पैनल की एफिशिएंसी और बैटरी की लाइफ बनी रहती है। और इसमें ओवर चार्जिंग और अंडर चार्जिंग दोनों प्रोटेक्शन होती है। और SMU क्या करता है, जो सोलर को प्राथमिकता देता है, मतलब सोलर पावर यूज़ करेगा मैक्सिमम। और हाँ, और ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों सिस्टम पे काम करता है, चाहे आप 12 पे यूज़ करो या 24 पे यूज़ करो इसको। इसमें माइक्रो कंट्रोलर होता है जो कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको कि नॉर्मल जो चार्ज कंट्रोलर है और SMU में क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है, एक चार्ज कंट्रोलर होता है SMU, हाँ सीधा बिजली से कनेक्शन होने की वजह से क्या करता है, देख सकते सोलर का प्रयोग करता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी बैटरी है वो इन्वर्टर से सोलर पैनल दोनों से एक साथ चार्ज होगी, तो इसमें सही नहीं रहता। इसमें क्या है, ये कंट्रोल करता है इन्वर्टर को, पूरा इन्वर्टर को डिसकनेक्ट कर देगा, फिर इससे चार्ज करेगा, जब पावर अवेलेबल होगी तो फुल्ली यूज़ करता है ये सोलर को, और बैटरी की ग्रेविटी को मेंटेन्स रखता है। एक मंथ में एक बार 15 वोल्ट तक बैटरी को चार्ज करता है, और जो नॉर्मल चार्ज कंट्रोल होता है ऐसा नहीं करता ये। और इसमें क्या है, डिस्प्ले होती है जो कि हमें सब कुछ बताती है, कितना एम्पियर आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, कितनी हमने पावर कंज्यूम की है, और उनमें कोई डिस्प्ले नहीं होती। थैंक यू सो मच।